भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा पहला T20 मुकाबला पूरे तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में तो फिलहाल नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीता और टॉस जीतकर भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता। बड़ी बात यह रही कि भारत को पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ के रूप में एक बड़ा झटका मिला, लेकिन इसके बाद शिखर धवन और संजू सैमसन ने काफी अच्छे अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया और संजू सैमसन और धवन के बीच शानदार 51 रन की साझेदारी हुई, जिससे भारतीय टीम संकट से उभरने में कामयाब रही। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तक टीम इंडिया काफी जानदार प्रदर्शन कर रही है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम ने अभी तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि खास बात यह है कि इस टीम में वो दमखम है कि ये कैसा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन छठवें ओवर में संजू सैमसन ने अकेला धनंजय की गेंद पर सामने उठाकर इतना लंबा छक्का मारा कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल आपको बता दें कि अकेला धनंजय को दसुन शनाका ने इंट्रोड्यूस किया था, संजू सैमसन थोड़ा स्लो खेल रहे थे और उन्होंने आते ही उस ओवर में आगे बढ़कर सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का मारा और पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। आपको बता दें कि गेंद स्टेडियम के पार चली गई थी और इसके बाद गेंद को बाहर से मंगवाना पड़ा, सैनिटाइज हुई गेंद और उसके बाद मैदान पर आई, लेकिन संजू सैमसन का छक्का देखकर हर कोई हैरान रह गया। भयानक अंदाज में संजू सैमसन ने वो छक्का मारा और पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम हो गई हैरान कि आखिरकार इस तरीके का शॉट कोई कैसे मार सकता है। शायद यही संजू सैमसन की ताकत है, बड़े खिलाड़ी हैं, मौका उनको बार बार मिल रहा है, लेकिन जो स्टार्ट मिलता है उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे भारतीय टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल भारत के पास मौका है एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का। अभी ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से बल्लेबाजी करती है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।